हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया हो, शानदार हो। और ये पेश है आपके सामने K10 VXi Plus वेरिएंट, जो कि 6 लाख रुपए की कीमत के अंदर शानदार स्मॉल व्हीकल है। बहुत शानदार गाड़ी है, एक नॉर्मल फैमिली, एक नॉर्मल कपल्स के लिए ये बहुत ही फ्रेंडली गाड़ी है। और यह आपको इस वीडियो में पूरा रिव्यू करेंगे, वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ओवरऑल K10 जो है हमारे सामने, जो मारुति ने 2024 में बहुत अच्छे के लुक के साथ प्रेजेंट की है। ये लॉन्च तो 2023 में हो गई थी, क्योंकि अल्टो 800 जो आती थी वो बंद हो गई, एंड इसके बाद K10 ने मार्केट में जम चुकी है। K10 में आपको CNG वेरिएंट भी मिल जाएगा और पेट्रोल वेरिएंट भी मिल जाएगा और AGS भी मिल जाएगा। 3 वेरिएंट इसमें आते हैं, एक तो K10 LXi, एक K10 VXi और एक K10 VXi Plus। ठीक है, तो ऑल न्यू मारुति ऑल्टो 800 तो भूल जाओ, ऑल्टो K10 VXi या VXi Plus को आप याद रखो। इस वीडियो में हम VXi Plus का रिव्यू कर रहे हैं। टायर साइज आपने देख लिया, 13 का टायर साइज विथ व्हील कैप के साथ आपको मिलेगा। ये साइड प्रोफाइल है भाई गाड़ी की, और अच्छे से दिखा देता हूँ, देख लो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और जो K10 लेना चाहता है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। ऊपर आपको कुछ नॉर्मल सनरूफ वगैरह नहीं मिलता, यहाँ पे आपको मिलता है एक एंटीना बेसिक सा जो बीच में होता है, एंड ये है इसका रेयर पार्ट। हेयर यू कैन सी, ये आपका रेयर पार्ट है K10 का। पीछे आपको ऐसी बड़ी सी लाइट, टेल लैम्प वगैरह नहीं मिलते। और यहाँ पे दो आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं विद द पार्ट ऑफ सेफ्टी, दो पार्किंग सेंसर्स में आते हैं, 1 एंड 2। ओके, दो पार्किंग सेंसर। यहाँ पे आपको लॉकेबल डिग्गी मिलती है, पीछे आपको सुजुकी का लोगो और 3D मेंशन ऑल्टो K10 लिखा हुआ है जी, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मारुति है ना, ये नहीं लिखते कि VXi या LXi वेरिएंट के नाम नहीं लिखे होते, ये आपको आपका एग्जीक्यूटिव बताएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 27 लीटर है, इसमें आप 27 लीटर पेट्रोल भराकर लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हो। वंस अगेन मैं आपको साइड प्रोफाइल के बाद अब दिखाता हूँ इसका इंटीरियर। चलो बाहरी की बातें बहुत कर ली, बात करते हैं इंटीरियर की। तो डोर खोलते हमें मिलता है बोतल रखने का सॉकेट, नॉर्मल यहाँ पे बॉक्सिंग और यहाँ स्पीकर की हाउसिंग। और हेयर यू कैन सी, यहाँ बोतल रख सकते हो, फाइल रख सकते हो। एंड थोड़ा सा अंदर चल के यहाँ पे हमें टच म्यूजिक सिस्टम मिलता है, बिकॉज ये हमारी K10 VXi Plus है। ठीक है, नहीं नवेली दुल्हन। दो कप होल्डर मिलते हैं आपको और 5 मैनुअल गियर ट्रांसमिशन के साथ K10 VXi Plus आपको देखने को मिलती है इन द पेट्रोल। और यह है आपका क्लब बॉक्स, जिसमें हमेशा की तरह डायरी और टर्म्स एंड कंडीशन होती है, लेकिन फिलहाल नहीं है, कुछ बिल्स पड़े हैं तो इन्हें वापस से पैक कर देते हैं पेट्रोल के बिल्स। यहाँ पे आप देखने को मिलता है डिजिटल मीटर, और मीटर में ही सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। यही मीटर अब इको में भी है। अब अगर आपको इको पे लेटेस्ट रिव्यू चाहिए तो कमेंट कर देना, आ जाएगा। और स्टेयरिंग के ऊपर माउंटेन ऑडियो कंट्रोल, म्यूजिक सिस्टम एंड वॉइस कंट्रोल, सारी चीज़ें दे दी गई हैं, ऑलमोस्ट सारे फीचर दे दिए हैं, जो कि आपको मज़ा आ जाएगा। दो पावर विंडोज़ मिलती हैं आपको K10 VXi Plus वेरिएंट के अंदर। नीचे तीनों सिस्टम, मतलब कि ब्रेक, एक्सीलेटर और क्लच। यहाँ पे दो आपको मिलते हैं सॉकेट, एक USB पोर्ट और एक होता है 12 वोल्ट का एडिशनल चार्जर सॉकेट, आपको देखने को मिलेगा K10 VXi Plus में। इसके बाद में बात करूं तो वो है इसके फैन को आप एडजस्ट कर सकते हो, फैन की हवा कहाँ किस जगह लगानी है, यहाँ पे कोल्ड पे रखना है या फिर हॉट पे रखना है। फिलहाल गर्मी बहुत है भाई, एसी में चलो। और यहाँ आप स्पीड बढ़ा सकते हो फैन की, 1, 2, 3, 4 तक ले जा सकते हो। क्लब बॉक्स बंद कर देते हैं, एंड अब एक बार और गियर बता दिया मैंने आपको, सारी चीज़ें दिखा दी। ऊपर बता देता हूँ, सन वाइजर 2 मिलते हैं जिसमें कोई मिरर नहीं होता, कमाल की बात थी। ठीक है, सेफ्टी फीचर में 2 बता ही दिए। यहाँ से आप नीचे से सीट को एडजस्ट कर सकते हो, आगे और पीछे दोनों तरफ लेकर जा सकते हो। ये आपका ड्राइवर केबिन के अंदर एक हेलोजन लैंप है, और पीछे का इंटीरियर देख लिया, इसको बंद कर देते हैं हम, फैन की हवा बहुत खाली। ओके, सो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये है हमारा ARB, ORBM, और अंदर से ही हम इसको ऐसे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं इसके मिरर को अंदर बैठ कर ही। ये एक शानदार फीचर है, तो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी साइड से, इसके यहाँ ड्राइवर साइड में इंटीरियर की।
तो इसमें कुछ खास बताने का नहीं है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ क्योंकि मैंने उस साइड से सब बता दिया। बैक किट की तरफ चलते हैं, पीछे कैबिन की तरफ। तो यहाँ पर आपको वही स्पीकर के और स्पीकर मिलता है, केटन VXI प्लस है तो, और चार स्पीकर मिलेंगे शायद इसमें आपको। पीछे मिलेगी पार्सल ट्रे, यह है कमाल की बात। पिकनिक प्लान कर रहे हो तो बैग ऊपर रख दो, डिग्गी का खर्चा बच जाएगा। डिग्गी नीचे बड़ी चीज़ें आ जाएंगी और ऊपर छोटे मोटे टिफ़िन वगैरह आ जाएंगे। एक किट मिला है मुझे इसके साथ, उसमें मिलती है मुझे जैक और कुछ बेसिक सी चीज़ें, डायरी वगैरह और फर्स्ट एड किट। वाओ अमेजिंग, ये है रहा इसका जैक जो होता है ना, जैक ढूंढते रहते हैं बहुत सारे जने कहाँ मिलेगा, गाड़ी के अंदर ही होता है भाई। तो यहाँ ओवरऑल हम सब कुछ कंप्लीट करें, पीछे कोई चार्जर वगैरह मिलता है कि तो नहीं मिलता, एक नॉर्मल बॉक्स मिलता है जिसमें आप कोई छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हैं, रख सकते हैं, बंद कर दो इसको। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर देना, ये आपको मिल जाएगी मात्र 60,000 डाउन पेमेंट भर के भी, 50,000 डाउन पेमेंट में भी आप ले जा सकते हो।